देखो बेजोरिया। तो सेटल करिए, किस जगह से तान को उठाया? स्वरों के साथ पहले किया, बोलतान के साथ उसी को रेप्लिकेट किया। मैं क्यों इस पे स्ट्रेस कर रही हूँ? क्योंकि साइमल्टेनियसली एक चीज सोचना, उस पे शब्द भी बिठाना और उसको क्लियरली क्लैरिटी से गाना, जगह पे उसको खत्म करना और बंदिश को उठाना, ये तीन चार वेरिएबल्स अगर एक साथ आपके आपको हैंडल करना पड़ जाए साइमल्टेनियसली, तो वो एक कैओटिक प्रोसेस बन सकता है। अब उसी चीज को हमें मेथड में बांधना है। तो मेथड ये है कि आप पहले स्वरों में सोचें, स्वरों में सोच के उसको नॉर्मली गाएं, सरगम के साथ गाएं, फिर उसको आकार के साथ गाएं। हमारे शास्त्र में जब हम प्योरली जब गुरुओं से सीखते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि उसको हर एक सिलेबल में भी गाएं। अब च म के, इसमें आकार तो किधर है ही नहीं, च म है और फिर के है, के तो ए हो गया, ए की मात्रा हो गई, तो सारे वॉवल्स में कैसे करेंगे? देखो बेजोरिया गामा पानी सारे नवा मगर, देखो बेजोरिया देखो बेजोरिया, ए देखो बेजोरिया, ई देखो बेजोरिया, ओ देखो बेजोरिया, देखो बेजोरिया। तो ये नॉर्मली भी आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हैं, जैसे हम लोग अलंकार करते हैं, उन अलंकारों को केवल आकार में नहीं, इकार, ओकार, एकार और उम, इन सभी में ओ ए ई आ एंड उम, क्लोज्ड माउथ, ठीक है? हमको जरूरत पड़ सकती है अभी चामा, ये भी अगर हमें करना हो तो करने की जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं।